हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। हमें क्या करना है, रिकर्शन फंक्शन का बेसिकली यूज करके हमें फाइंड सम ऑफ डिजिट का एक प्रोग्राम जावा एप्लीकेशंस में डिजाइन करना है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है, 1 2 3 4 5, अगर सपोज आपने नंबर इंटर किया 1 2 3 4 5, देन आपको रिजल्ट क्या फाइंड आउट होगा, 15। मतलब ईच डिजिट का आपको सम कैलकुलेट करना है रिकर्शन फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्लास डिफाइन करना है। जैसा कि हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे हमने सम टाइप की क्लास डिफाइन किया है। आफ्टर दैट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फंक्शन डिफाइन करना होगा, रिकर्सिव फंक्शन। हमने यहाँ पे इंट, यहाँ पे सम टाइप का हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया। इस पर्टिकुलर सम फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंट एक नंबर प्रोवाइड किया। हमने क्या किया, एक हम यहाँ पे सम टाइप के फंक्शंस में एक नंबर पैरामीटर प्रोवाइड किया। अब इस पर्टिकुलर पैरामीटर में हमें क्या करना है, रिकर्सिव फंक्शन का एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई किया। यदि इफ में अगर जो आपका नंबर है, अगर नंबर डबल इक्वल आता है 0 के, अगर नंबर डबल इक्वल क्या होता है 0 के, जैसे नंबर डबल इक्वल होगा 0 के, तो आर ई टी यू आर एन रिटर्न करना है आपको। यहाँ पे क्या रिटर्न कर देना है, 0। अगर आपका नंबर 0 हो जाता है देन आपको क्या करना है, रिटर्न की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है 0। अगर सपोज ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मतलब आपने एक नंबर कंसिडर किया जैसे 1 2 3 4 5, अगर वन नंबर की वैल्यू 0 हो जाती है देन आप रिटर्न यहाँ पे 0 करेंगे। अगर नंबर की वैल्यू 0 नहीं है देन आप यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, आर ई टी यू, यहाँ पे रिटर्न आपको रिटर्न क्या करना है, नंबर यहाँ पे नंबर मॉडुलस 10। यहाँ पे हमने एक डिजिट को सेपरेट किया, नंबर मॉडुलस 10 इस तरीके से यहाँ आपको डिफाइन करना है। प्लस यहाँ पे फंक्शन को रिकॉल करना है, हमने यहाँ पे सम में, यहाँ पे सम में क्या पास कर दिया, नंबर डिवाइडेड बाय 10। हमने क्या पास कर दिया फंक्शन में, नंबर डिवाइड बाय 10। इस तरीके से हमने फंक्शन को रिकॉल किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर मॉडुलस 10 प्लस सम नंबर डिवाइड बाय 10, इस तरीके से हमने यहाँ पे सम डिजिट को सेपरेट किया। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा देन आपको यहाँ पे क्या करना है, मेन फंक्शन आपको डिफाइन करना होगा। तो मेन फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, फंक्शन को कॉल करना है मेन। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, आर्गुमेंट्स यहाँ पे आर्ग्स फंक्शन लिखेंगे, पैरामीटर्स लिखेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यूजर से आपको इनपुट प्रोवाइड करना है तो आपको यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हमने यहाँ पे स्कैनो एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनो, हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ आपको लिखना है सिस्टम डॉट इन, हमने क्या किया है कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको पैकेज भी इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब आपको यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करना है, इसके लिए आपको यहाँ मैसेज देना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एल एन, हमने यहाँ पे क्या पास किया, यहाँ पे एक आपको मैसेज पास करना होगा। हमने यहाँ पे लिखा एंटर द नंबर, हमने यहाँ पे एक मैसेज पास किया एंटर द नंबर। अब हम यहाँ पे इंट नम टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, हमने एक इंटीजर इनपुट यहाँ पे पास किया। इस तरीके से हमने यहाँ पे सपोज अगर आपने एंटर द नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पे डिफाइन करेंगे देन आपको रिजल्ट फाइंड आउट होगा 15। कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने नॉन स्टैटिक फंक्शन यूज किया है, इसलिए आपको इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें, क्लास का नेम आपने सम डिफाइन किया तो आपको लिखना है सम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट
is equal to sum of z is equal to new sum। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो हमने इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे, सम फंक्शन को। हमने यहाँ पे सम, सम में ये वैल्यू पास कर दिया, जो आपने नंबर कंसिडर किया उस पर्टिकुलर नंबर को हमने पास कर दिया। जैसे आप ये पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन आपका क्या, यहाँ पे जो आपने रिकर्शन फंक्शन बनाया है यहाँ पे आके ये पर्टिकुलर वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपको मैसेज प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे क्या पास करना है, यहाँ पे आउटपुट जो आपके पूरी स्क्रीन है यहाँ पे प्लस हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे। हमने यहाँ पे रिजल्ट मैसेज को प्रिंट कर लिया। इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया, रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके सम और डिजिट का प्रोग्राम आपने जावा एप्लीकेशंस में डिजाइन किया। तो सबसे पहले कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले यूजर यहाँ पे क्या करेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे ये प्रोग्राम आप रन करते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा, एंटर दी नंबर। आपके स्क्रीन पे क्या मैसेज शो होगा, एंटर दी नंबर। जैसे ये पर्टिकुलर मैसेज शो होगा, आपको यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड करना है। तो जैसा कि हमने 1 2 3 4 5 पास किया, जैसे आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पास करेंगे, देन यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके थ्रू ये सम फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पे ये वैल्यू पास कर देगा। जैसे ये वैल्यू पास होगी, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन पे आएगा और यहाँ नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ पे इफ कंडीशन में आएगा, 1 2 3 4 5 अगर डबल इक्वल है 0 के, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, देन इस पर्टिकुलर फंक्शन में आएगा नंबर मॉडुलस 10। तो 1 2 3 4 5 मॉड 10 करेंगे तो आपको यहाँ 5 फाइंड आउट होगा। 5 प्लस यहाँ पे सम में नंबर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 पास कर देगा। फिर देन यहाँ से फिर से ये फंक्शन रिकॉल होगा। ऐसे ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक नंबर की वैल्यू 0 ना हो जाए। जैसे नंबर की वैल्यू 0 होगी, वैसे आपको रिटर्न की वैल्यू 0 फाइंड आउट हो जाएगी और देन ये आपका रिकर्सिव फंक्शन कॉल होना बंद हो जाएगा। सेम उसी टाइम पे यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो आपकी वैल्यू को स्टोर करना स्टार्ट करेगा और देन वो पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसे रिटर्न करेगा वो पर्टिकुलर वैल्यू आके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, देन आपके स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा, आउटपुट अब यहाँ पे रिजल्ट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। कैसे शो होगा इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेप समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने ओबीजे, यहाँ पे जैसा कि हमने अभी देखा ओबीजे डॉट सम, जब आपने कॉल किया यहाँ पे सपोज अगर हमने वैल्यू 1 2 3 4 5 पास किया, जैसे अगर आप 1 2 3 4 5 पास करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या होगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। जैसे ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा, देन आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा तो आप देखेंगे नंबर डबल इक्वल 0, 1 2 3 4 5 क्या 0 की इक्वल है, नहीं। जब 0 की इक्वल नहीं है तो देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 मॉडुलस यहाँ पे 10। जब 1 2 3 4 5 मॉड 10 करेंगे तो आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 5। जब 5 फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, 5 प्लस यहाँ पे आपने क्या किया, सम, सम में यहाँ पे नंबर डिवाइड बाय 10, तो मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे फाइंड आउट होगा। ये पर्टिकुलर नंबर फिर से रिकॉल होगा, जैसे सेकेंड टाइम रिकॉल होगा यहाँ पे, यहाँ तक आपको ने समझा। यहाँ पे अगर 1 2 3 4 मॉडुलस अगर आपने यहाँ पे 10 किया तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 4। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 5 प्लस यहाँ पे आपने ब्रैकेट में क्या लिखा, 4 प्लस यहाँ पे सम में नंबर डिवाइड बाय 10 अगर होगा तो यहाँ पे 1 2 3 फाइंड आउट होगा। तो जैसे यहाँ पे ये प्रोसेस होगा, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा, अगर 1 2 3 मॉडुलस अगर आपने 10 किया तो आपको फाइंड आउट होगा 3। तो नेक्स्ट टाइम आपका क्या होगा, 5 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे 3 यहाँ पे प्लस
यहाँ पे आपने सम को कॉल किया, यहाँ आपकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 12, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस जैसे कंप्लीट होगा, नेक्स्ट टाइम आपका क्या होगा, 12 मॉडुलस 10 आपको फाइंड आउट हो जाएगा 2। जैसे 2 फाइंड आउट होगा, यहाँ 5 प्लस ब्रैकेट यहाँ पे 4 प्लस ब्रैकेट यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 प्लस ब्रैकेट यहाँ पे 2, इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। प्लस यहाँ पे सम फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे वैल्यू आपको क्या देना है, 1। जैसे यहाँ पे 1 देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो, देन नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा, 1 मॉडुलस 10 आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 1। देन यहाँ पे 5 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट 3 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट देन 1 प्लस यहाँ पे सम फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 10 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप 0 डिफाइन करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होगा। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन आप ध्यान से देखेंगे, जब सम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 डबल इक्वल 0 कंडीशन आपकी ये ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपको रिटर्न क्या फाइंड आउट हो रहा है, 0। जैसे रिटर्न 0 मिलेगा, देन नेक्स्ट टाइम जब कर्सर आता है तो यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट 4 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट 3 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट यहाँ पे 1 प्लस 0 फाइंड आउट हो जाएगा। सम ऑफ 0 की वैल्यू आपको 0 कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। जैसे ये 0 होगा तो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो नेक्स्ट टाइम आपका कर्सर क्या होगा, 5 प्लस यहाँ ब्रैकेट 4 प्लस ब्रैकेट यहाँ पे 3 प्लस ब्रैकेट यहाँ पे 2 प्लस 1, इस तरीके से स्टेप परफॉर्म होंगे आपके। जैसे ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन नेक्स्ट टाइम कर्सर आएगा यहाँ पे 5 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस ब्रैकेट यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 3, इस तरीके से प्रोसेस आपके कंप्लीट होंगे। जैसे 3 प्लस 3 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपका 5 प्लस यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 6 कैलकुलेट होगा। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 10 देन आपको यहाँ पे 15 फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे आपका 15 प्रोसेस आएगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। जैसे ये वैल्यू रिटर्न होगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू आपके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी और देन आपके स्क्रीन पे मैसेज हो जाएगा 15। इस तरीके से आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम आप रिकर्शन फंक्शन के थ्रू आप आसानी से जावा एप्लीकेशन में डिजाइन कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको रन करना है, रन एज। जैसे जावा एप्लीकेशन पे आएंगे, यहाँ पे एंटर द नंबर आपको प्रोवाइड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 एंटर किया। जैसे आपने एंटर बटन को क्लिक किया, यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है, 15। जैसा कि हमने बताया था, सेम रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से आपको सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम रिकर्शन फंक्शन के थ्रू डिफाइन करना है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अगर आप अनदर एग्जांपल देखना चाहें, जैसे सपोज 1 2 3, यहाँ 1 2 3 का सम ऑफ डिजिट अगर आप करेंगे तो 1 + 2 + 3 क्या होता है, 6। तो यहाँ पे देखिए 6 कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का एक प्रोग्राम जावा एप्लीकेशन में डिजाइन करना है, जैसा कि हमने अभी आपसे डिस्कस किया। तो यहाँ पे एंटर दी नंबर, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 5 4 3 दिए, देन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 आपको रिजल्ट यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जावा एप्लीकेशन में रिकर्शन फंक्शन को यूज करके सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you.